नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अरे भैया, ये आपका घोटाला नहीं है, ये काली चाय है। काली चाय बोले तो एकदम नींबू मार के। अब चाय है तो मुझे उस तुकबंदीबाज कवि की कविता याद आ गई, तो फिर गौर फरमाइएगा। बोला पूर्ण स्वराज चाहिए, अभी चाहिए, आज चाहिए। लिया फोड़ से दान तुम्हारी ऐसी तैसी, दिल्ली का अपमान तुम्हारी ऐसी तैसी। कहाँ गए सब वादे प्यादे, राजनीति के स्वच्छ इरादे। हे केजरी महान, तुम्हारी ऐसी तैसी, दिल्ली का अपमान तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा, नहीं लगता मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। तो भैया देखो, सीबीआई ने दिल्ली के डिग्रीधारी मुख्यमंत्री को नोटिस भेज दिया है। अरे भाई, उनकी आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की मार्कशीट देखने के लिए नहीं, बल्कि नोटिस है शराब घोटाले में पूछताछ को लेकर। खैर, अब घोटाले की बात है तो सीबीआई नोटिस ही भेजेगी, सोन पापड़ी थोड़े ना भेजेगी। वैसे भी दिल्ली नहीं, दिवाला का मामला है मेरे दोस्त। केजरीवाल की शराब नीति से आबकारी विभाग का दिवाला निकल गया था। वैसे नोटिस का पता चलने के बाद कई लोगों ने सीबीआई को सुझाव दिया कि नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी, सीधा यूट्यूब पर लगा देना चाहिए था। हम इस नोटिस ने केजरीवाल को एक मौका दिया कि सिसोदिया को भगत सिंह बताने के बाद वे खुद को चंद्रशेखर बता दें, एकदम जने उधारी। वैसे इसका चांस बेहद कम है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि इनके क्रांतिकारी साथी आजाद को ब्राह्मण बताकर इन्हें गरिया देंगे, तब क्या होगा। अब कल ही की बात ले ले, सिसोदिया के खिलाफ जांच के पहले ही 12 दर्जन कारण बता चुके हैं। क्या बोला तूने? 12 दर्जन कारण बता चुके। केजरीवाल ने नया कारण बीते कल बताया। उन्होंने बताया कि देश में ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। इन्हीं राष्ट्र विरोधी लोगों ने सिसोदिया को फर्जी केस में फंसा कर जेल भेज दिया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा, अब ये दलितों के बच्चों वाली बात क्यों आई? क्योंकि कल बाबा साहेब की जयंती थी। केजरीवाल साहब की यह बात सुनकर लगा जैसे सिसोदिया रोज सुबह नहाकर, एकदम बढ़िया नहा धोकर, कंघी वगैरह करके एकदम राजा बेटा बनकर स्कूलों में पढ़ाने पहुँच जाते थे और गरीबों और दलितों के बच्चों को बाकी बच्चों से अलग करके उन्हें पहाड़ा पढ़ाते थे। क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, आगे आप पढ़ते रहिए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सिसोदिया के पास शराब मंत्रालय भी था। केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि सिसोदिया को जेल भेजने वाले यह नहीं चाहते कि दिल्ली के शराबियों को सस्ती शराब मिले, अच्छी शराब मिले, गरीबों को बेस्ट शराब मिले। जैसे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिल रही थी, वैसे ही दिल्ली के शराबियों को वर्ल्ड क्लास शराब मिले। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। वे कह सकते थे कि सिसोदिया चाहते थे कि दिल्ली के लोग भारत के बेस्ट शराबी बने, लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतें नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, इसलिए उन्होंने सिसोदिया को जेल भेज दिया। सिसोदिया के पास तो वैसे भाषा मंत्रालय भी था। केजरीवाल यह भी कह सकते थे कि दिल्ली के लोगों की भाषा वर्ल्ड क्लास होने वाली थी कि सिसोदिया को जेल भेज दिया गया। दिल्ली की भाषा से तो आप सभी परिचित ही होंगे, खासतौर पर मेरी आयु वर्ग के युवा। तो दरअसल राष्ट्र विरोधी लोग चाहते ही नहीं कि दिल्ली के लोगों की भाषा वर्ल्ड क्लास हो जाए, वे तो चाहते हैं कि दिल्ली वालों की भाषा कभी सुधरे ही नहीं। ये राष्ट्र विरोधी चाहते हैं कि दिल्ली के लोग बात बात पर बेन स्टोक्स को याद करते रहें, इसलिए उन्होंने सिसोदिया को जेल भेज दिया। असंभव। भैया, इन्हीं केजरीवाल की पंजाब सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस में नोटिस भेज दिया। केजरीवाल को फॉलो करते हुए चन्नी ने भी इस नोटिस के पीछे का असली कारण देश के सामने रख दिया। उन्होंने खुलासा किया कि पंजाब के दलितों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए पंजाब सरकार इसका बदला चन्नी से ले रही है। अब पता नहीं यह सच है या नहीं, लेकिन अपने लॉजिक के पावर को केजरीवाल थोड़ा और खींचे तो वे यह कह सकते हैं कि उन्हें नोटिस भेजकर हर उस IITN को डराया जा रहा है जो CM बनना चाहता है। ये राष्ट्र विरोधी चाहते ही नहीं कि छात्र IIT जाएं। इन्हें चिंता है कि कल को लड़के IIT से निकलकर IRS बन गए और IRS रहते हुए पढ़ने की छुट्टी लेकर NGO खोल लिए, तब क्या होगा। और NGO को फोर्ड से चंदा मिला तब तो राष्ट्र का विकास होने लगेगा, और ये लोग यही नहीं चाहते। ये चाहते ही नहीं कि राष्ट्र का विकास हो, इसलिए इन्होंने मुझे नोटिस भेजा है ताकि कोई IITN भविष्य में मुख्यमंत्री ना बन पाए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो CBI, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो भैया, कुल मिलाकर बात यह है कि CBI के नोटिस के जवाब में अब केजरीवाल कब CBI के दर पहुंचते हैं? आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।